वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेकंड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि 2022 का क्वेश्चन पेपर है, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। यहां पर अब आपका पेपर कोड हो जाता है A238। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अरस्तु के राज्य तथा संविधान के वर्गीकरण के क्या आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या के आधार पर तथा लक्ष्य अथवा उद्देश्य के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थॉमस एक्विनस के द्वारा प्रतिपादित कानून के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि एक्विनस ने कानूनों को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है देवी कानून और चौथा है मानवीय कानून। उन्होंने इन्हें 4 वर्गों में ही बांटा है। यह क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा गया है। तो आपको इसका आंसर लिख देना है कि मैकियावेली द्वारा रचित 2 पुस्तक है, द प्रिंस और डिस्कोर्सेज। नेक्स्ट, यहाँ पर समझौता सिद्धांत के द्वारा किस विचारक ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है? इसका राइट आंसर है रूसो ने। नेक्स्ट, यहाँ पर ओन लिबर्टी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है J.S. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवयव सिद्धांत का प्रतिपादन किस विचारक के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, धर्म को अफीम की संज्ञा किस विचारक द्वारा दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा धर्म को अफीम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लॉस्की द्वारा प्रतिपादित राज्य के बहुलवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए, लॉस्की 20वीं शताब्दी के एक महान राजनीतिक विचारक और राजनीतिक के शिक्षक तथा इंग्लैंड के लेबर पार्टी के नेता भी थे। वे बहुलवाद के समर्थक थे। लॉस्की के बहुलवादी विचार कई भागों में बांटे गए थे, जैसे कि ऑस्टिन के विचार यानी एकलवादी, प्रभुता के सिद्धांत की आलोचना और समाज का संगठन तथा राज्य और राज्य तथा अन्य समुदाय और प्रजातांत्रिक राज्य में सत्ता या सत्ता और आज्ञापालन। तो इस प्रकार से उनके जो बहुलवाद के सिद्धांत थे वे कई भागों में बटे हुए थे। और जो ये सारे विचार है जो बहुलवादी विचार के नाम से जाने जाते हैं, उदारवादी मान्यताओं पर आधारित है। उदारवाद राज्य तथा समाज को मार्क्सवादी वैज्ञानिक आधार पर आधारित नहीं मानता। उदारवाद यह तो मानता है कि समाज में वर्ग होते हैं, किंतु यह नहीं मानता कि इन वर्गों का संघर्ष समाज में होता रहता है। आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर राज्य का कार्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं में बाधा डालते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन T.H. ग्रीन का है, यानी थॉमस हिल ग्रीन। नेक्स्ट में आपके सेक्शन B.C.D. एवं E आ जाते हैं, जिनमें आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन बी आपका आ जाता है, इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटो के संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद की व्याख्या करते हुए उसकी आधुनिक साम्यवाद से तुलना कीजिए। यह क्वेश्चन अथवा में पूछा गया है। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पर सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्विनास मध्ययुगीन अरस्तु है, इस कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा में पूछा गया है, मैकियावेली राजनीति में अनैतिक वे धार्मिक नहीं है अपितु नैतिकता तथा धर्म में उदासीन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6 है, रूसो के राजदर्शन का उद्देश्य होब्स के संप्रभुता संपन्न राज्य तथा लोक के संप्रभु व्यक्ति के मध्य सामंजस्य करना था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमुख रूप से राज्य वह संगठन है जिसका उद्देश्य ऐसे कार्य करना है जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्ति हो, इस कथन की विवेचना कीजिए। सेक्शन ई है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, अथवा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉस्की के संप्रभुता अर्थात बहुलवादी विचारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
तेहब का 2022 का क्वेश्चन पेपर था, आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं के आधार पर आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।